ये इनडायरेक्टली मेरी मम्मी की सैक्रिफाइस है मेरे पापा के ब्लेसिंग से. आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज इन क्लास 11, और जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की 2022 में, तभी मेरी मम्मी को स्टेज 4 कैंसर डिटेक्ट हुआ था. एंड ये पूरे 2 साल उन्होंने बहुत लड़ा, मैंने बहुत लड़ा, मेरी दीदी ने बहुत लड़ा, एंड उनका यही मन था कि वो मुझे आईएएस बनते हुए देखे. बट हाउ काइंड ही इज टू हिज मेंटर एंड व्हाट अ गुड मेंटी ही इज टू हिज मेंटर. Now I invite Shikhar sir to present our bouquet. अनिमेश, पहले मैं चाहता हूँ, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और उसके बाद मैं चाहता हूँ आप थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अपनी खुद ही दे दीजिए. सो मैं अनिमेश प्रधान हूँ, आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, और मैं अभी इंडियन ऑयल में एज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑफिसर कार्यरत हूँ. मैं तालचेर उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, और मैंने अपनी स्कूलिंग डीवी पब्लिक स्कूल एमसीएल कलिंग एरिया तालचेर से की है. एंड 12th के बाद मैंने एनआईटी राउरकेला में बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की थी, और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था. अनिमेश, बड़ी बात तो बताना भूल गया आप, कि इस बार आप 2023-24 के यूपीएससी एग्जाम में सेकंड रैंक होल्डर हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए, और कैसा लग रहा है इस बार? अभी भी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ कि ऐसा हुआ है. जो भी इसके लिए पढ़ता है सबको यही होती है कि फाइनल लिस्ट में नाम आए, प्रिफर्ड सर्विसेज आए. कभी ऐसा सोचा नहीं था कि सिंगल डिजिट रैंक आएगा, बट कोशिश पूरी की. अनिमेश, जब हम आपके बारे में पता कर रहे थे तो हमें पता चला कि एग्जाम से पहले कुछ फैमिली प्रॉब्लम से भी आप गुजरे हैं. मैं चाहता हूँ अगर आप कंफर्टेबल हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, ताकि ये लोगों के लिए इंस्पिरेशन रहेगा जो हमेशा बाहर नहीं ढूंढते. मैं ये बोलना भी चाहता हूँ क्योंकि दिस इज ये इनडायरेक्टली मेरी मम्मी की सैक्रिफाइस है मेरे पापा के ब्लेसिंग से. आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज इन क्लास 11, और जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की 2022 में, तभी मेरी मम्मी को स्टेज 4 कैंसर डिटेक्ट हुआ था. एंड ये पूरे 2 साल उन्होंने बहुत लड़ा, मैंने बहुत लड़ा, मेरी दीदी ने बहुत लड़ा, एंड उनका यही मन था कि वो मुझे आईएएस बनते हुए देखे. बट मार्च 2 में ही वी लॉस्ट हर, और इसकी कमी आज बहुत ज़्यादा महसूस होती है. बट ये उनकी सैक्रिफाइस है, ये उनकी जीत है, और मैं चाहता हूँ दुनिया जाने उनके बारे में कि उन्होंने कितना लड़ा है मेरे सक्सेस के लिए. अनिमेश, बिकॉज खुशी का मौका है आपके लिए, मगर उसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ आप इमोशनल हो रहे हो. मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसके बारे में सुन रहा था और पता कर रहा था, तो मुझे पता चला कि इंटरव्यू से कुछ दिन पहले ही आपके मम्मी का जो है वो ध्यान था. नहीं, इंटरव्यू के दौरान मेरी मम्मी सिक थी काफी. okay. और पूरा दौरान ही शी वाज नॉट वेल. उनको आर्थराइटिस भी था, कैंसर भी था. बट इंटरव्यू जब था मेरा January 10 के टाइम पे, तब वो मेरे साथ थी, बट बहुत अच्छे स्टेट में नहीं थी. उसके तुरंत बाद ही उनकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी, और पूरा फरवरी हम आईसीयू में थे. क्योंकि अनिमेश अभी सेकंड रैंक आ गया, तो प्रेफरेंस भी आपको जरूर मिलेगी. सो क्या चूज करने जा रहे हो आप? मेरी प्रेफरेंस आईएएस ओडिशा कैडर है. और अपना ही आपने स्टेट क्यों चुना है, इसके पीछे कोई खास वजह? ऑब्वियसली मेरी थोड़ी इंक्लिनेशन मेरी स्टेट के प्रति है, क्योंकि मैं टिल यहाँ 2021 से पहले तक पूरी अपनी कॉलेज स्कूलिंग एवरीथिंग मैंने ओडिशा से किए, तो उधर के प्रॉब्लम्स, उधर के लोग बहुत ज़्यादा करीबी है मुझसे. तो जबकि मैं पूरे भारत के डेवलपमेंट का पार्ट बनना चाहता हूँ, बट थोड़ा सॉफ्ट कर्नर मुझे मेरे स्टेट के प्रति है. अनिमेश, क्या इस वक्त स्ट्रेटजी जो है बाकी लोगों को बताना चाहोगे, क्योंकि आप बोल रहे थे आप वर्किंग भी थे और उसके साथ साथ आपने ये किया? आई एम नॉट श्योर कि क्या वर्क किया क्या नहीं किया वो मैं बोल नहीं सकता, बट मुझे जो लगता है कि जो काम की होगी वो कि मेरी कंसिस्टेंसी. इतने सारे डिफिकल्ट टाइम्स थे, बट ऐसा था कि रुकना नहीं है, बिकॉज अब इतना मन बना लिया है तो रुकने सब क्या फायदा. तो मैंने हर रोज कुछ ना कुछ, 1 घंटे हो, 30 मिनट हो, 5 घंटे हो, 6 घंटे हो, हर रोज पढ़ने की कोशिश की है. नहीं होता था, बट ये कोशिश थी. तो मुझे लगता है कि वो बिगर फैक्टर होगा, अपार्ट फ्रॉम लोगों के ब्लेसिंग्स और लक भी पार्ट थी. क्या शेड्यूल रहा है अनिल, थोड़ा सा बताओगे क्या पूरी दिनचर्या क्या रहती थी? मेरी 8 घंटे ऑफिस होती थी, 1 घंटा जाने आने उधर सब सेटल होने में लगती थी. मैं 6-7 घंटे सोता था, और बाकी जितने टाइम थे उसमें से मैं 5 घंटे से 6 घंटे चाहता था निकालने के लिए. तो सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं जल्दी उठ के 3 से 3.5 घंटे या 4 घंटे वहीं बिता देता था. कितने बजे उठ जाते थे आप? 6 बजे मैं उठ जाता था, तो 6 से 9:30 तक पढ़ने की कोशिश करता था, फिर ऑफिस जाता था, फिर आने के बाद 1.5 घंटा या फिर 2 घंटा पढ़ने की कोशिश करता था.
अनिमेश क्या सब्जेक्ट्स थे आपके? सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था था और आप इंग्लिश में ही दिया है आपने। जी। अनिमेश आप कई लोगों का आज नहीं हुआ होगा और कई लोग देख रहे होंगे अनिमेश को, सो उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहते हो? हालांकि आपने अभी तक कोई भी फेस नहीं किया है ऐसी चीज कि आप अनसक्सेसफुल रहे हो, आप पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल रहे हैं, तो जो लोग अनसक्सेसफुल रहे हैं उनके लिए उनके लिए मैं कहूंगा कि आप ऐसी निराशा, बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि मुझसे बहुत ज्यादा परिश्रम किए होंगे, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ये कि बस उनका लक काम नहीं किया उस दौरान में, एट द एंड ऑफ इट्स एन एग्जामिनेशन। और मैं चाहे कितना भी बोल लूँ, हम इसको एग्जामिनेशन ओनली नहीं देखते, पूरी जिंदगी बना लेते हैं इसकी। और आई विश मैं ऐसा कुछ बोल सकूँ ताकि उन्हें बेहतर लगे, बट मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि आप फिर से सोचे कि आपने क्यों, आप सोचे थे यूपीएससी करना, वही आपकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहेगी, फिर से उठ के नेक्स्ट टाइम बहुत बेहतर करेंगे। आपका शुरुआत से ये एम था या फिर मम्मा पापा या फिर फैमिली में किसी ने बोला? बचपन से, जब से मुझे याद है, मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनने की मेरी थी। अनिमेश लास्ट के कुछ एक सवाल कि किस तरह का जो है पैटर्न जो है एक यूपीएससी एस्पिरेंट को फॉलो करना चाहिए? ये है कि बहुत ज्यादा सोर्सेस है तो सोर्सेस को लिमिट करना चाहिए। रिवीजन बहुत बोरिंग होता है, बट वही सेम चीज को बार 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 रिवीजन करें। बहुत ज्यादा टेस्ट दीजिए अपने आप को टेस्ट करने के लिए, और कंसिस्टेंट रहिए। बस एक लास्ट सवाल, कुछ याद आ रहा है इंटरव्यू के दौरान या पेपर के दौरान कुछ ऐसी घटना या कुछ ऐसी बात जो लगा हो, आपको लगा हो कि हाँ दैट इज पॉजिटिव हो जाएगा, या इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा किसी का आपकी तरफ था इंटरव्यू लेने वाले का? ऐसा मतलब मुझे हमेशा मेंस बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, तो लिखने के टाइम मुझे बहुत मजा आया। इंटरव्यू के टाइम मेरी मम्मी ठीक नहीं थी, तो उस टाइम पे अच्छा नहीं था मेरा स्टेट ऑफ माइंड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।